आज कुकी ट्रिपीट पर जो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ वो आप सभी की रिक्वेस्ट पर है कि हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए कोई एक ऐसी रेसिपी जो हम गर्मियों में खा सकें। तो ये आज मैंने एक लड्डू तैयार किए हैं हड्डियों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, कैल्शियम की कमी के लिए। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसे कैसे खाना है, किसको इसे नहीं खाना है और कब आप इसे खा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक जरूर करें। तो तैयार करते हैं इस लड्डू की रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है मखाने, तो मैंने एक कप मखाने लिए हैं और ग्राम में अगर आप चेक करते हैं तो ये 50 ग्राम मखाने हैं। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर ली है ओट्स, तो ओट्स में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और मैंने आधा कप ओट्स लिए हैं। इसमें विटामिन B12 बहुत ज़्यादा होता है, वेट रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और तीसरा हम यहाँ पर ले रहे हैं खसखस। खसखस में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम खसखस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए ये जोड़ों के दर्द में, सूजन में बहुत ही अच्छा रहता है। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अलसी। अलसी जिसे हम फ्लैक्स सीड भी कहते हैं, वैसे तो ये गर्म होता है लेकिन ये एक पेन किलर का काम करता है हड्डियों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, अर्थराइटिस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए हम इसकी क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं बादाम, तो बादाम जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि एक गुड़ों का खजाना है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने बादाम का यूज़ किया है। तो बहुत ही कम बादाम लिए हैं, 10 से 12 बादाम ही मैंने यूज़ किए हैं, तो आप बादाम को स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ मीठे की वजह से खजूर, तो यहाँ पर मैंने चीनी का यूज़ ना करते हुए, गुड़ का यूज़ ना करते हुए खजूर का यूज़ किया है। खजूर वैसे तो गर्म होती है इसकी तासीर, लेकिन बहुत ही अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, जिंक, फॉस्फोरस, आयरन बहुत ज़्यादा होता है, खून की कमी को भी पूरा करता है। खून जो जिन लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है तो खून बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनाता है। तो अगर आप खजूर नहीं खाना पसंद करते हैं, खजूर गर्मी में अगर आपको गर्म करता है, तो इसका भी ऑप्शन मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, आप इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं और किस तरह बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम खजूर लिया है और उसको पानी में भिगो दिया है पहले, ताकि ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमें लड्डू बनाना आसान हो जाए। तो इसे हम भिगो कर रख देते हैं। और अब हमने लिया है एक पैन और उसमें हम सबसे पहले जो हमने ओट्स लिए थे उसको हल्का सा भून लेंगे। तो ओट्स को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, किसी भी चीज़ को हमें ओवर नहीं रोस्ट करना है, हमें बहुत ही हल्का सा इसे 2 से 3 मिनट मीडियम हीट पर भून लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन B12 होता है जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, और अक्सर हम ब्रेकफास्ट में ओट्स खाते हैं तो ये हमारे जो वेट है उसको भी लूज करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ओट्स को भूनने के बाद एक प्लेट में निकाल लिया है और अब हम यहाँ पर भून रहे हैं मखाने। मखाने को भी हम हल्का सा ही रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसे रोस्ट नहीं करेंगे। मखाने के बारे में आप सभी जानते हैं कि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम, आयरन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए जब हड्डियों का दर्द, कमजोरी, सूजन, जोड़ों के दर्द में हम अक्सर मखाने का यूज़ करते हैं। मखाने का दूध अगर हम पीते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसे भी हमें 3 से 4 मिनट मखाने को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, भून लिया है, और जिस प्लेट में हमने ओट्स निकाले थे उसी में हमने मखाने भी ऐड कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ खसखस। तो खसखस की क्वांटिटी आप चेक करें, देखिए मैं यहाँ पर 3 चम्मच खसखस इसमें मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खसखस यूज़ नहीं कर रही है, हर चीज़ की एक लिमिट में ही यूज़ करना है। तो खसखस को भी हम 2 से 3 मिनट मीडियम हीट पर रोस्ट कर लेंगे। खसखस की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए हम उसे ठंडाई में यूज़ करते हैं, और लड्डू बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पर गर्मियों के लड्डू बना रहे हैं तो इसीलिए खसखस का यूज़ किया है, क्योंकि ये बोन्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, हड्डियों में बहुत ही मजबूती देता है और ये एक पेन किलर का भी काम करता है। और खसखस को हमने अलग प्लेट में निकाला है, जिसमें हमने ओट्स और मखाने निकाले थे गर्म करने के बाद, उसमें नहीं लिए हैं खसखस को, हमने दूसरी प्लेट में अलग निकाला है। अब हम जो बादाम लिए हैं उनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अगर आपको गर्मी में बादाम से या किसी भी गर्म चीज़ से प्रॉब्लम होती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, तो आप बादाम को स्किप कर सकते हैं।
तो बादाम आप ना डालें उस समय पर, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम यूज़ किए हैं। अब साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ अलसी, तो 2 चम्मच अलसी ही मैंने यूज़ की है, बहुत ज़्यादा अलसी का मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमने जो यूज़ किया खसखस और मखाना, दोनों की तासीर ठंडी होती है, ओट्स भी ठंडा होता है, गर्म नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर हड्डियों की मजबूती के लिए 2 चम्मच अलसी का यूज़ किया है। बादाम और अलसी दोनों को ही हम अच्छे से भून लेंगे। अब मैं यहाँ पर मीठे के लिए यूज़ करूँगी खजूर, तो अगर आप खजूर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह मैं आपको ऑप्शन बताऊँगी और उसका तरीका भी बताऊँगी, तो इसीलिए प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप उसका पूरा फ़ायदा ले सकें। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें भून ली हैं, रोस्ट कर ली हैं और ठंडा होने के बाद उन्हें मैं मिक्सर जार में डालकर पीस लूँगी। खसखस को हमने अलग रखा था तो इसीलिए हम खसखस को नहीं पीस रहे हैं, तो केवल हमने अलसी, बादाम, मखाना और ओट्स को हमने पीस लेना है। तो ये लड्डू हमें सुबह के नाश्ते में लेना है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए सभी चीज़ें पीसकर मैंने पाउडर उसका तैयार कर लिया है और इसमें हम थोड़ी सी खसखस मिक्स कर देंगे और 1 चम्मच खसखस मैंने यहाँ पर बचा ली है जो कि हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो अब हम जो खजूर हमने पानी में भिगोए थे उसको भी मिक्सर जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। और पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, आधा कप से भी कम पानी मैंने खजूर भिगोने में यूज़ किया था। तो देखिए इसकी भी पेस्ट तैयार हो गई है। तो अब हमने वापस से पैन को गरम किया है और जो खजूर की पेस्ट हमने तैयार की थी ना उसको हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी डाला था तो वो पानी के पकने तक हम इसे भून लेंगे। मिक्सर जार में फिर से मैंने 2-3 चम्मच पानी डाल लिया है ताकि खजूर का सारा पेस्ट हमारा निकल जाए। तो अब हम इसे भून लेते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए, अदरवाइज अगर हमने पानी नहीं पकाया तो लड्डू जल्दी से खराब हो जाएंगे। तो आप ये लड्डू 8 से 10 दिन फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी चल सकते हैं फ्रिज में। अब खजूर को हम 2-3 मिनट पका लेंगे ताकि इसका पानी अच्छे से पक जाए। अब आप मुझे ज़रूर कमेंट करने वाले हैं कि ये गरम होता है, ये गरम होता है, डेट्स गरम होते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, आयरन होता है, हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा रहता है खजूर, इसीलिए मैंने यहाँ पर खजूर का यूज़ किया है। तो जब हमने इसे अच्छे से पका लिया है तब मैंने इसमें जो पीसा हुआ सामान था, मखाने, बादाम, सब कुछ मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। हड्डियों के लिए घी बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में तो आप किसी भी चीज़ को लेंगे तो नुकसान ही देगी, तो केवल 2 चम्मच देसी घी मैंने यहाँ पर मिक्स किया है। और इस समय पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और गर्म है पैन हमारा और इसी में ही हम सभी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। तो अब मैंने इन्हें प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लिया है। तो देखिए सभी चीज़ें ठंडा होने के बाद भी हम अच्छे से मिक्स कर ली हैं और ये चिपक रहा है तो आप हाथ पर हल्का सा देसी घी लगा सकते हैं ताकि लड्डू बनाते हुए कोई भी परेशानी ना हो। और हम इसके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखेंगे, बहुत ही छोटा साइज़ हमें लड्डू का रखना है। तो और देखिए इस तरह से हम लड्डू को तैयार कर लेंगे। अब ये लड्डू आपको लेना कैसे है, आप सुबह के नाश्ते में दूध के साथ 1 लड्डू लें तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो देखिए इस तरह से सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको अगर हम खजूर के साथ नहीं बना रहे हैं तो आप इसे चीनी के साथ बना सकते हैं या फिर देसी खांड आती है उसके साथ भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो खसखस बचाई थी, थोड़ी सी 1 चम्मच खसखस को मैंने बचा लिया था, उससे हम अपने लड्डू को गार्निश कर लेंगे। इससे हमारा लड्डू देखने में भी सुंदर लगेगा, खाने में तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ चीनी की चाशनी कैसे बनानी है या आप जो खांड यूज़ कर रहे हैं उसकी चाशनी कैसे बनानी है। तो हमने 1 कप चीनी लेनी है या फिर 1 कप खांड लेनी है। खांड की तासीर ठंडी होती है तो उसे हम गर्मी में यूज़ कर सकते हैं। और आधा कप पानी लेकर हमें उसे अच्छे से पका लेना है, चाशनी बना लेनी है। चाशनी हमें कोई तार नहीं बनाना है, तार बनने से पहले ही हमें उसे बंद कर देना है। जब उसमें अच्छे से 2-3 उबाल आ जाएंगे उसके बाद हम उसमें ये मिक्सचर डालकर लड्डू तैयार कर लें।
तो बस इसी तरह से आप दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, आप इसकी चाशनी बनाकर या फिर डेट्स के साथ भी ये लड्डू तैयार कर सकते हैं। और प्रेग्नेंट लेडी को ये लड्डू नहीं लेने हैं, क्योंकि आप जो भी चीज़ लें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर ले लें, तो तभी आप कोई भी वीडियो देखकर कोई भी लड्डू तैयार करें। तो प्लीज़ प्रेग्नेंट लेडी से रिक्वेस्ट है, कोई भी इस लड्डू को इस तरह से बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये लड्डू की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह की नई और इजी रेसिपी के साथ।